आइए आज बनाते हैं एक मुखवास की रेसिपी जो कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। बस 5 से 8 चीज़ों से ये आसान सी रेसिपी बन जाती है और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। खाने के बाद इसे आप खा सकते हैं जिससे कि आपकी पाचन क्रिया अच्छी रहेगी। और भी कई सारे फायदे हैं इसके जो कि मैं आगे बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका चौरसिया, हैप्पी कुक बेक चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 नींबू का रस। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच हींग पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू के रस में हमें ये इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स हो चुका है अच्छी तरह। अब हम ये 1 कप सफ़ेद तिल लेंगे। अगर आपके पास काली तिल है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप हम सौंफ डालेंगे, 1/2 कप हम अलसी के बीज डालेंगे जिसे फ्लैक्स सीड्स भी कहते हैं, और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इस मुखवास को बनाने के लिए। अब हमने जो सॉल्यूशन बनाया है नींबू के रस, हल्दी, हींग, नमक का, उसे हम इसमें डालेंगे और इस तरह स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा सॉल्यूशन हमें यूज़ कर लेना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं सौंफ हम हमेशा खाने के बाद मुखवास के तौर पे खाते हैं, तो सौंफ का काम ये है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है, सांसों को ताज़ा रखता है और ये कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को भी। और सफ़ेद और काले तिल प्लांट प्रोटीन है जिसमें विटामिन बी और फाइबर बहुत मात्रा में पाया जाता है। अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स में हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है इसमें। इसके फाइबर कंटेंट की वजह से ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है। पूरा नींबू का रस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इन चारों चीज़ों में। अजवाइन के फायदे तो सभी को पता है, ये भी पाचन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, तो इसे हमें 2 घंटे के लिए ऐसे ही फैन के नीचे सुखा लेना है। 2 घंटे बाद जब आप इसे चेक करेंगे तो ये पूरी तरह सूख गया होगा और इसका इस पे हल्दी का कलर भी आ गया होगा। तो अब हम इसे भून लेंगे। एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे और ये सारा मिश्रण हम इस पैन में डाल देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 10 से 15 मिनट तक इसे भून लेना है लगातार चलाते हुए, जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। 15 मिनट बाद ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा। आप इसे थोड़ा सा चेक कर सकते हैं खा के। गैस को बंद कर देंगे और ये पूरा मिश्रण हम एक थाली में निकाल लेंगे ताकि ये और ना पके, इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो जाए। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाए इसे हम निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा जब ये हो जाएगा तब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। 1/2 घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, इसे हम एक एयरटाइट कंटेनर में भर देंगे और इसे हम स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक। आप इसका सेवन आप खाना खाने के बाद दोनों टाइम पे कर सकते हैं जिससे कि आपको डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अगर एसिडिटी की तकलीफ़ है तो वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी। आप इस मुखवास को ज़रूर बनाएं एक बार और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी। बाय।